Director Dibakar Banerjee has said that initially he approached actor Aamir Khan to play villain in his directorial Detective Byomkesh Bakshy. However, the latter rejected the offer and chose to play villain in Yash Raj film's Dhoom 3. तो आज से दो साल पहले फिल्म बनने की कगार पे थी, दो ढाई साल पहले. तो उस समय हमको एक ऐसा विलेन चाहिए था जो हमको हर वक्त चाहिए था, जो मतलब लोगों की उखाड़ दे, क्योंकि ब्योमकेश के सामने एक ऐसा विलेन जो ब्योमकेश की टक्कर पे है. और जैसा आपको सुशांत बताएंगे कि ब्योमकेश और उसका रिलेशनशिप भी बहुत अजीब सा है, तो ऐसा एक हमको विलेन चाहिए था कि जो दहला भी दे और लोगों को अट्रैक्ट भी करे. तो इसलिए हम आमिर के पास गए थे और मैंने उनको नरेशन की थी और आमिर ने पास किया. आमिर ने कहा मे बी नॉट दिस वन. एंड फिर बाद में हमको पता चला कि ठीक उसी के बाद धूम 3 चालू हो रही थी शूट होना, और उसमें उन्होंने विलेन का रोल किया. तो मेरे हिसाब से YRF ने कुछ पाया कुछ खोया, तो क्या कह सकते. Meanwhile, Dibakar has still kept the villain hidden in the second trailer, and it only shows the backside of villain. The film featuring actor Sushant Singh Rajput in titular role will hit the theaters April 3. Sangeeta Tomar, IANS.